नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरा सब्जेक्ट कुछ अलग है। ऐसा है कि हम लोग जो स्कूटी चलाते हैं या टू व्हीलर या कोई भी कार हम लोग चलाते हैं ऑन रोड, जब हम रोड पे हम चलाते हैं विदाउट लाइसेंस हम चला नहीं सकते। इसके लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत है। तो इस लाइसेंस को पाने के लिए हमने एक तरीका, एक प्रोसीज्योर, एक फार्मूले के थ्रू से जाना पड़ता है। तो इस फार्मूले के लिए हमने जो किया और जो भी करते हैं, मतलब उनका जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसका कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं रहती हूँ वेस्ट बंगाल में, बंगाल का रहने वाली हूँ। तो इधर ऐसा है कि इधर का जो आरटीओ का जो मतलब रूल्स रेगुलेशन है, मैं उनका ही बारे में नॉलेजेबल हूँ, उनके बारे में मुझे एक्सपीरियंस है। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हो, शायद वहाँ का आरटीओ कुछ और भी डिमांड करे, अलग मांग करे, तो उनका शायद अलग हो, लेकिन थोड़ी बहुत सिमिलरिटी तो हो ही जाएगी। बिल्कुल पूरा तो डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ी बहुत तो डिफर कर सकता है। लेकिन तो हमारे आरटीओ इधर वेस्ट बंगाल का जो जो जिस तरह का डिमांड करते हैं, वही मैं बता रही हूँ। पहली बात यह है कि पहले हम एक स्कूटी, बाइक, कुछ भी खरीद लेते हैं, तो हमने अभी स्कूटी के बारे में मुझे शेयर करनी है कि स्कूटी के लिए लाइसेंस, आरटीओ लाइसेंस के लिए क्या करना पड़ता है। तो स्कूटी लेने के बाद आपको थोड़ी बहुत सीखने के बाद तो आपको एक लर्नर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आप सीख रहे हो। जैसे होता है स्टूडेंट, ड्यूरिंग द लर्नर एक ड्यूरेशन में आपको उस लाइसेंस के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अप्लाई के वक्त तो आपको थोड़ी बहुत कुछ प्रोसीड्योर के अंदर से गुजर जाए, गो थ्रू एंड गॉन थ्रू, आप उसके बीचों बीच गुजरना पड़ता है। तो उसे गुजरने के लिए जो जो करता है या जो प्रोसीड्योर रहता है, मैं उन्हीं के बारे में थोड़ी बहुत शेयर करने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं, जितना हमने किया, जितना हमने सीखा, तो उतना ही मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ, अगर आपको हेल्पफुल लगे। ओके, जब भी आप ये टेस्ट देने जाओ तो हेलमेट ज़रूर पहन लेना, आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। और अभी कोविड में तो आपको मास्क लेना ही है। और देखिए, मैं आज मैं एक जो हमने जो पहना है, देखिए ये आपका शूज़ में बेल्ट होना चाहिए या शूज़ होनी चाहिए, कवर शूज़। अदरवाइज हमने मेरे ये पे कवर शूज़, ये मतलब बेल्ट है, कीटो है। लेकिन चप्पल, स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप पहन कर कोई मत जाइए प्लीज़। वही चप्पल, वही फ्लिप फ्लॉप पहन के चले गए, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। शूज़ पहन लीजिएगा, मास्क ले लीजिएगा कोविड हो तो, और हेलमेट ले लीजिएगा, और फुल स्लीव्स कपड़ा पहन लीजिएगा, छोटे स्लीव्स मत पहनिएगा, ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो चलिए, मैं आज जितना हो सके हमने जो भी किया था पहले, जितना भी याद है, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। फर्स्ट थिंग, ये दिस इज द थिंग, पावर ऑन किया, स्टार्ट करने के बाद आपको तीन बार आपको हॉर्न देने हैं, 1, 2, 3, और स्पीड रहनी चाहिए 10 से 20 के अंदर, 10 से 20 के अंदर आपको स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। पैर नीचे कर दिया था ज़मीन पे, तो आपको ज़मीन, जब टेस्ट आप दोगे तो आप ज़मीन पे पैर मत रखिए, तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आपको चलाने हैं ज़मीन से पैर, तभी आप नीचे करोगे जब आप ब्रेक दोगे या सिग्नल दोगे। सिग्नल देने के बाद आपको, जब सिग्नल में जो आएगी, सिग्नल में आपको 1, 2, 3, यह है ट्रैफिक रूल का एक सिग्नल, स्टॉप। तो अगर इतनी रूल्स आपको क्राइटेरिया मिल जाए, तो ही आपको लाइसेंस मिलने वाली है। और ब्रेक तभी इसके देने के बाद ही आपको ब्रेक देने हैं, ये एक बात तो है। और हॉर्न के बाद तो हमने कहा कि तीन बार हॉर्न देकर है आपके, आपको ये करना है। और किसी किसी जगह में आपको 8 का भी होता है, हाँ, वो आपको ऐसा कि ट्रैफिक कोन जो है, ट्रैफिक कोन को देकर उसके भी ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, उसका भी आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करना है। लेकिन हमारे वेस्ट बंगाल आरटीओ में ऐसा 8 वगैरह ऐसा नहीं है, और ट्रैफिक कोन का भी यूज़ नहीं होता है, हाँ। एक zigzag, इसका मतलब है zigzag, कि आप ट्रैफिक जब बन जाए तो आप zigzag से जा सकते हो या नहीं, इसके लिए आपको ट्रैफिक कोन और 8 का यूज़ किया जाता है। ये स्पेशली बाइक में ज़्यादा होता है, स्कूटी में कम होता है। और बैटरी स्कूटी में तो लाइसेंस की ज़रूरत है ही नहीं, तो आपको डोंट टेक एनी टेंशन बाई, जब आपको मतलब जो हो तो पॉल्यूशन फ्री है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब फ्रेंडली है। तो मैं आज मैं आपको वही दिखा रही हूँ,
मैं अभी स्टार्ट करूँ, आप देखिए, मैं थोड़ी बहुत करके मैं आपको दिखाऊंगी, 1 2 3 करके। और ये कहना है कि आपको पावर देने हैं, पावर देने के बाद आपको स्टार्ट करने के बाद आपको 3 हॉर्न दे के बजा के फिर आपको स्टार्ट करनी है। और जब आप आपको ये टेस्ट देना है तो आप बीच में अपना पैर नीचे जमीन जैसे देखिए, एक चीज़ देखिए आप नीचे की तरफ कि आप जैसे आप हम जब चलाते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, पैर ऊपर उठ जाता है, ठीक है, तो हम पैर नीचे नहीं करेंगे। आप टेस्ट देते देते मानिए हम चला रहे, अभी हम चला रहे, चलाते चलाते एक चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ जो करता है लोग टेस्ट में जो गलती होता है, तो आपको लेसेस देखिए जैसे मैं चला, एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, हमने अभी एक्सेल किया, आपने देखा कि मैंने एक्चुअली मैं दूर चली जाके सिग्नल देती हूँ तो आपको शायद मेरे में पता ना चले, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि देखिए मैं बस थोड़ा सा स्पीड करके मैं एक्सेल करके करके मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर मैं स्पीड में चली जाती तो काफ़ी दूर हो जाएगा, कमरे में नहीं आ सकती शायद। तो देखिए मैं अभी जो करती हूँ ऐसे करके, आपको ब्रेक दबाना नहीं है, अभी आप देख सकते हो कि मेरे जो है आप देख सकते हो पीछे भी बैकलाइट भी आप देख सकते हो कि हमने ब्रेक बिल्कुल छोड़ा हुआ है, देखिए कहीं ब्रेक नहीं, अब ब्रेक दबा के ही पैर नीचे करना, और आपको जो करने हैं 1 1 2 3 ये, ठीक है, उसके बाद ही आपको ब्रेक को दबाना है। मैंने ये सिग्नल इसलिए मतलब नहीं किया था क्योंकि दूर में चली जाऊंगी तो शायद आपको पता ना चले इतनी दूर से, तो हमने ये इस तरह ये प्रोसेस किया हुआ है कि आपको ये करना है, अगर ये करते हो तो शायद वेस्ट बंगाल अगर RTO में अंडर में अगर आप होते हो तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाकी हमने जो कहा है, अगर आपको ट्रैफिक कोन या 8 का ना मतलब पता ना मिले तो आप कुछ पत्थर वगैरह रख कर भी, सिग्नल रख कर भी आप 8 की तरह गोल गोल घूम सकते हो, ठीक है, ज़िगज़ैग के लिए, और ट्रैफिक के लिए अगर हम लोग ट्रैफिक के लिए सही तरह से तैयार हुए या नहीं इसके लिए वो किया जाता है। ओके बाय, आई होप इट विल हेल्पफुल फॉर यू, इफ नॉट आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि और क्या करने से आपको बेहतर लगता और मुझे क्या करना चाहिए था जो हमने इस वीडियो में नहीं किया, जो करने से आपको और भी बेनिफिट होता। ओके थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।